मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही ओबीसी वर्ग के खिलाफ रही है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को लेकर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे जिस वर्ग से आते हैं उसने वर्ग का संघर्ष का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अरुण यादव और उनके पिताजी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उससे ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच उजागर होती है। वर्षों तक पीसीसी चीफ रहे अरुण यादव को अब लोकसभा उपचुनाव के लिए टिकट के लिए लाइन में लगने को मजबूर किया जा रहा है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कोरोना की सामान्य होती स्थिति के बारे में बताया, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी बात की। वहीं बच्चों के ऑनलाइन गेम जैसे फ्री फायर गेम के कंपनी मालिकों पर FIR करने की भी बात कही। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष बोल रहे संघर्ष उन्होंने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। जरूरत थी चमन को तो लहू से सींचा उनने, और फिर जब बाहर आई तो कह दिया कि अब तेरा काम नहीं। जो अध्यक्ष थे जो टिकट बांटा करते थे, दो दो बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और बेचारे अरुण भैया की क्या दुर्गति करेंगे। अभी कुल प्रदेश में 17 प्रकरण कोविड के हैं, जो कल टेस्ट लेने के बाद 17 प्रकरण आए, ठीक होकर अपने घरों की ओर 13 लोग गए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे हैं। पूरा ध्यान सरकार इस बात पर रख रही है कि यह संक्रमण फैल ना पाए, और यही कारण है कि कल भी 69,322 टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए। संक्रमण दर अभी भी 0.024 बनी हुई है और रिकवरी रेट हमारी पूर्व की भांति 98.6 अभी भी रिकवरी रेट बनी हुई है।